ये वीडियो आप मुकम्मल देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी नाज़रीन, आपने जो तस्वीर में देखा है भेड़ा वाली कब्रिस्तान का काम शुरू हो गया। बिल्कुल जनाब, ये काम शुरू हो गया कब्रिस्तान का। माशाल्लाह जनाजा का काम शुरू हुआ है सबसे पहले। तो ये काम भाई खालक साहब ने शुरू करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इनको तौफीक दे। वरियाम होटल बटा डेरी, भाई खालक का होटल भी है, इसी नाम से ये मशहूर है, ज़्यादा है बटा डेरी। वरियाम होटल की जो है इनकी ज़्यादा है, नाम से ही मशहूर जाना जाता है भाई खालक साहब को। तो अल्लाह पाक इनको और तौफीक दे। तो इन्होंने काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करवा दिया है। तो सुबह मेरी एक भाई से बात हुई है मदर साहब से, तो अपने अलियाने जंगड़ गर्बी के, तो उन्होंने एक जावेद और परवान अशरफ की तरफ से और अपनी तरफ से 50,000 रुपया जो है ना उसका ऐलान किया है। अल्लाह पाक उनको तरक्की अता फरमाए और कारोबार में। तो माशाल्लाह इसी तरह जनाब, पहले कब्रिस्तान का कोई काम नहीं शुरू करवा रहा था क्योंकि लोग डरते थे, कहते थे यार, मैंने भी कुछ इस कब्रिस्तान के कागजात वगैरह जो कुछ भी था ना, मैंने भी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल करके भाई खालिक से बात की है। भाई खालिक कह रहा था आप अभी खामोश हो जाओ तो इंशाल्लाह मैं जो है ना कब्रिस्तान का काम करवा दूंगा। फिर मैंने खामोश हो गया, मैंने कहा भाई खालिक ने जानी, तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी की तरफ से भी मैंने कुछ जो है ना क्वाइफ लिए थे, कुछ चीज़ें जो है ना बातें की थी। तो उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अब काम शुरू हो गया कब्रिस्तान का। इस कब्रिस्तान का पहले जनाजा गाह का काम शुरू हुआ है, उसके बाद सुनने में आया कि इंशाल्लाह इसकी बाड़ बंदी भी की जाएगी, इसको जो है ना जाला फिराया जाएगा, कब्रिस्तान जो कब्रें टूटी हुई हैं उसको उनको मरम्मत किया जाएगा। अल्लाह पाक के करम से इन लोगों के दिलों में भी शोर पैदा हुआ। असल ये लोग पहले इसलिए आथनी लगा रहे थे कब्रिस्तान को कि शायद कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन बस दिल में, इंसान के दिल में होता है कि शायद मैं ये काम करूं तो वो दूसरा बोल पड़ेगा, मुझ पर तनकीद करना शुरू कर देगा, तो ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काम शुरू हो गया है। तो आप सब दोस्तों से मैं ये अपील करता हूँ कि इस कब्रिस्तान के लिए कुछ तामन करें हमारे साथ, हम आप कब्रिस्तान के लिए तामन करें तो हम इसका जाला और इसकी कब्रें भी जो टूटी हुई हैं वो भी मरम्मत करा दें, क्योंकि इसी कब्रिस्तान में ये एक कब्र हमारे लिए जो है आखिरी मंजिल हमारी कब्र ही है, आराम का यही कब्र ही है। तो इसके लिए हम जितना भी करें उतना कम है। तो इसके लिए ढेर सारा अपने दिल से जो है ना उससे ज़्यादा बढ़कर जो है ना इनका इनसे तामन कीजिए कब्रिस्तान के मामले से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से अभी जो है ना मेरे ख्याल में जो 50,000 का आफज मदर साहब ने भी जो ऐलान किया अल्हम्दुलिल्लाह वो देंगे, तो कुछ और दोस्तों ने भी देने किए हैं अल्लाह पाक के करम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कब्रिस्तान को इसको मरम्मत कर देंगे सही तरह, जो इसकी टूटी हुई कब्रें हैं वो भी सही कराएंगे, मरम्मत कराएंगे, जो इसके जो जगह भी कब्रिस्तान बहुत छोटी हो गई है उसकी जो निशानदेही भी मेरे ख्याल में होगी है या नहीं हुई, मैं तो अभी घर में नहीं हूँ, जब मैं घर में इंशाल्लाह अनकरीब में जाने वाला हूँ तो मैं कब्रिस्तान की आपको मुकम्मल वीडियो बना के दिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से ये वीडियो मुकम्मल जो है हमारे दोस्तों अपने भाइयों दोस्तों तक शेयर करें जितनी भी शेयर हो सकती है। तो दूसरा नंबर आपसे ये एक रिक्वेस्ट है, जो अब हमारी ये वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे देखेंगे सब्सक्राइब लिखा होगा साथ में, नीचे जो मेरी तस्वीर पे नीचे देखेंगे सब्सक्राइब लिखा होगा, तो वहाँ पे आप जो है क्लिक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन पर ज़रूर ऑल पे कर देना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना वो आपके पास पहुँच जाएगी, तो आपको ढूँढने नहीं पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ इस कब्रिस्तान के लिए हमारे साथ तआवुन कीजिए। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
करूँगा।